मैं प्रिया आपके साथ। पाकिस्तान में जारी सियासी जोर अजमाइश के बीच मंगलवार को एक अजीब वाक्य सामने आया। यहाँ इमरान खान की पार्टी के सीनियर लीडर और पूर्व कैबिनेट मंत्री फवाद चौधरी ने पुलिस को सामने देखकर कार से उतरकर दौड़ लगा दी। चौधरी के साथ उनके वकील भी भागे। इन सब ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट की बिल्डिंग में पहुंचकर ही सांस ली। दरअसल चौधरी जैसे ही हाईकोर्ट से बाहर निकले तो उन्होंने पुलिस को अपनी कार की तरफ बढ़ते देखा। घबराए फवाद को गिरफ्तारी से बचने का कोई और तरीका नहीं सूझा। 9 और 10 मई को मुल्क के कई हिस्सों में इमरान की पार्टी पीटीआई के समर्थकों ने जबरदस्त तोड़फोड़ और आगजनी की थी। इसके बाद से पुलिस को कई नेताओं की तलाश है। फवाद चौधरी इनमें से एक है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फवाद को पुलिस ने 2 दिन पहले 9 और 10 मई को ही हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया था। उन पर पीटीआई वर्कर्स को हिंसा के लिए भड़काने का आरोप है। 2 दिन पुलिस कस्टडी से गुजारने के बाद फवाद को मंगलवार को ही हाईकोर्ट में पेश किया गया था। यहां से उन्हें एक मामले में जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद फवाद चौधरी अपने वकीलों के साथ हाईकोर्ट से बाहर निकले और कार में जाकर बैठ गए। इस दौरान मीडिया ने उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन चौधरी ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। इस दौरान उनके वकीलों ने कहा, चौधरी साहब को अभी जमानत मिली है, वो काफी थके हुए हैं और बाद में मीडिया से बात करेंगे। फवाद की कार के पीछे वाली गाड़ी में उनका परिवार भी था। फवाद आगे की सीट पर बैठे और पीछे की सीट पर उनके वकील बैठ गए। गाड़ी चंद कदम आगे बढ़ी तो फवाद ने घबराते हुए ड्राइवर से रुकने को कहा, फिर कार का गेट खोला और तेजी से भागने लगे। फवाद के पीछे उनके वकील भी भागे। वकीलों ने भागते भागते कहा, चौधरी साहब हाईकोर्ट की तरफ। इसके बाद सभी अंदर चले गए। कई घंटे गुजरने के बाद भी चौधरी हाईकोर्ट की बिल्डिंग में ही मौजूद थे। हाईकोर्ट बिल्डिंग के अंदर से मिले फुटेज में देखा जा सकता है कि फवाद किस तरह हांफ रहे हैं और उनके वकील आसपास मौजूद लोगों से पानी लाने को कह रहे हैं।